जी दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है रामस्वामी टावर, यानी कि हमारे बराबर में रामस्वामी टावर है। और यहाँ सामने जो मेरे बिल्कुल वर्मा होटल किसी ज़माने में हुआ करता था, बहुत कदीमी मलवारी होटल था वर्मा होटल के नाम से, और हम यहाँ मौजूद है। और यहाँ निकल पॉलिश का काम हो रहा है, आप देख रहे हैं कि कारीगर काम भी कर रहा है। और यहाँ पर हम पूछना चाहेंगे कि क्या चीज़ आप पॉलिश करते हैं और क्या चीज़ को पुराने को नया बनाते हैं। और मज़े की बात यह कि यहाँ पर हमारे हबीबुल्लाह साहब जो के शोबे फिल्म टीवी रेडियो जो भी है टीवी है, तो वहाँ की टेक्निकल चीज़ें होती हैं इनके लाइटों के किसी भी और चीज़ के, तो वो काम कराने भी यहाँ आते हैं। तो आज उनसे भी मुलाकात हो गई हमारी, और उनसे भी पूछेंगे कि वो यहाँ कब से आ रहे हैं और उनके यहाँ पर काम करते हुए क्या महसूस होता है इन्हें। या मैं निशान से ये पूछना चाहूँगा कि निशान जो यहाँ के ऑनर हैं, इनको वैसे भी मिला ये कारोबार और वो अपने वालिद की जगह ले रहे हैं, और वो आप क्या कर रहे हैं, क्या चैलेंज है उनके सामने काम में, क्या वाले थे। दोस्तों, आप हमारा ये वीडियो देख रहे हो डिस्कवर टीवी पे, अगर आप कभी आओ तो रामस्वामी में वर्मा होटल का पूछ लें, इनके सामने ही दुकान है, वालिश का भी निशान से मिलिएगा और इनके काम से आप इंशाल्लाह ज़रूर मुतमईन होंगे। और आइए चलते हैं, हम इनसे इंटरव्यू लेते हैं। पेन कर लेना रोड भाई, यहाँ पेन कर ले। वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कब से आप ये काम कर रहे हैं? तकरीबन 22-23 साल हो गए। अच्छा, ये बताएं कि आप किस किस चीज़ों के आप ये निकल पॉलिश करते हैं? लोहे का, स्टील का, सिल्वर का, पीतल का, मतलब जो भी दांत आते हैं हम लोग पॉलिश करते हैं। अच्छा, क्या क्या पॉलिश करते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को आप पॉलिश करते हैं? अभी हम लोग जो करते हैं ना, मतलब स्टील का पॉलिश ज़्यादा होता है, ये गाड़ियों का बम्पर हो गया, समझ लो कि नलके हो गया, ये सामान मतलब वगैरह वगैरह ज़्यादा आते हैं। अच्छा, पुरानी चीज़ों को नया बना रहे हैं? हाँ, पुराने चीज़ों को हम नया करते हैं। अच्छा, उससे अभी अब कारोबार पे कोई असर पड़ा आपके? हाँ, तकरीबन वो कारोबार जो है ना लोग हो गए। अच्छा अच्छा, तो अब भी लोग आते हैं? ज़्यादातर इसका सीज़न कब होता है, ये इस तरह के नए चीज़ों को न्यू करने के लिए लोग किस वक्त ज़्यादा देख, कौन से मौके पर? मतलब ये गर्मियों के मौसम में फिर थोड़ा सीज़न गर्म हो जाता है। अच्छा, जैसे ठंड मौसम आता है ना, तो उसमें जंग महसूस हो जाता है, नमी में ये जंग महसूस होता है। हाँ। और वैसे भी कराची का मौसम ज़रा नमकीन है। हाँ। और समंदरी हवाएं चीज़ों को जल्दी रंगारूप कर देती है, वजह यही है। अच्छा, कितना अर्सा हो गया आपको ये काम करते हुए? तकरीबन 22-23 साल हो गए। अच्छा, आपने किसी उस्ताद से सीखा है? हाँ, किसी उस्ताद से। अच्छा, उस्ताद का नाम अगर बताना पसंद करो? तो उस्ताद का नाम अब्दुल मजीद था। अब्दुल मजीद। हाँ। अच्छा, अभी हैं? नहीं, अभी दुनिया में नहीं है। बहरहाल उन्होंने आपको अच्छा ऑनर दिया है। हाँ। आपने रोज़गार कर रहे हो। हाँ, थैंक यू। देख रहे हो मैं सर, ये निशान भाई के वाले से काम करवाता था, निशान मेरी बहुत बाद में मुलाकात हुई। अभी मैं गेम ओवर का काम कर रहा हूँ, तकरीबन कोई 15-20 दिन से मेरे को काम फंसा हुआ था, वो निकालने आया हूँ। और मेरा जो जितना भी काम होता है प्रोसेसिंग का, वो सब यही होता है, इन्हीं के पास। निशान भाई ये कहाँ साहब है, यही कराते हैं। आप मुतमईन हैं इनसे? निशान भाई का जो निशान भाई के इन दोनों से। जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। निशान, ये बताएं कि आपने कितने अर्सा हुआ ये काम सीखा है? मुझे तकरीबन 15 साल हो गए ये काम।
और अपने वालिद से ये विरसे में मिला ये काम, तो इसमें कोई परेशानी होती है आपको कभी? बस अब आदत हो गई है, पहले शुरू में थोड़ी परेशानी होती थी कि वालिद साहब ने काम सिखाया, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये कि हमें बहुत अच्छा हुनर देखे चले गए, हम याद करते हैं उनको। बस परेशानी तो होती रहती है अब जिंदगी के साथ है सब मामला। अच्छा, वालिद साहब ने जब भी कोई ऐसा काम आता है जो आपको परेशानी होती है तो वालिद साहब को याद करते क्या सोचते हो कि सब मेरे वालिद होते काश? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई ऐसी परेशानी हुई नहीं है, वो अपने ज़िंदगी में ही हमें ट्रेन करके चले गए। बस ये कि उनकी दुआएं और